हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका क्लास 9 चैप्टर 7 जीवों में भविष्यता पार्ट 2 में। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी के ऊपर असंख्य जीव प्रेजेंट हैं और ये सभी जीव एक जैसे हैं? नहीं, ये सभी जीव अपने आप में यूनिक हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और इसी से क्या निर्माण होता है, जीवों में विविधता, जीवों में भिन्नता। हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से गायें, बंदर, मनुष्य, पेड़ पौधे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वहीं पर हमने डिस्कस किया था वर्गीकरण के बारे में। क्या डिस्कस किया, आया आपके माइंड में कि वर्गीकरण का आधार क्या है, कौन से लक्षण मूल लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको हमने विशेष ध्यान में रखना है तथा बड़े समूहों का निर्माण करेंगे और उसके बाद के लक्षण जो है वो अन्य समूहों के निर्माण में हमारी हेल्प करते हैं। एज वेल एज हमने जैव विकास के बारे में पढ़ा था। जैव विकास, विकास का मीनिंग क्या होता है, डिवेलपमेंट मीन्स जो पुराने जीव थे, जो सरल जीव थे, उनमें डिफरेंसेस आते गए, उनमें चेंजेस आती गई और जिसके द्वारा हमारे पास जटिल जीवों का निर्माण हुआ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से भविष्य वैज्ञानिकों के प्रयासों से जीवों का वर्गीकरण किया गया। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जैव विविधता। जैव विविधता का मीनिंग होता है जीवों में पाई जाने वाली विविधता। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों को दर्शाता है। मीन्स जब भी हम किसी तरह की विविधता के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम एक स्पेशल एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि वहां पर किस तरह के विभिन्न प्रकार के जीव रूप पाए जाते हैं। नो डाउट ये सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। ये सभी जीव एक ही तरह के पर्यावरण में प्रेजेंट होते हैं तो इन सभी के द्वारा एक स्थायी समुदाय का निर्माण होता है और इस स्थायी समुदाय को सबसे अधिक चेंज कौन करता है, मनुष्य मींस हम लोग। नो डाउट बहुत से डिफरेंट फैक्टर हैं, जैसे भूमि क्या है, किस तरह की मिट्टी वहां पर प्रेजेंट है, क्या जलवायु है, किस तरह की जल वहां पर प्रेजेंट है, ये बहुत से फैक्टर हैं जो वहां पर प्रेजेंट प्रजातियों में बदलाव लाने में हेल्प करते हैं। आपको हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, मीन्स सजीव 1 करोड़ लगभग पाए जाते हैं और हमें सिर्फ कितने जीवों की नॉलेज है, सिर्फ 10 लाख या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 लाख, मीन्स लगभग 80 लाख प्रजातियों के बारे में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है। तो समझ सकते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के जीव हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। सबसे अधिक जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है, वो पाई जाती है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा मकर रेखा समझ आ रही है भूगोल में, मींस आपकी जो सोशल स्टडी होती है या सोशल साइंस कह देते हैं, वहां पर भूगोल में आपने मैप में रेखाएं जाती हुई देखी होंगी, मैं उन्हीं रेखाओं की बात कर रही हूँ, कर्क रेखा तथा मकर रेखा। तो वो जो एरिया है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच, वहां पर बहुत अधिक गर्मी है बिकॉज सन की रेस सीधी वहां पर पड़ रही होती है, एज वेल एज वहां पर नमी भी बहुत अधिक है, जिसके कारण वहां पर बहुत तरह की प्रजातियां बेटा पाई जाती हैं, असंख्य तरह की प्रजातियां वहां पर प्रेजेंट होती हैं। इसी कारण उस क्षेत्र को हम नाम क्या देते हैं, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। यह आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे हम मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र का नाम देते हैं। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि सभी देशों में ही डिफरेंट तरह की प्रजातियां प्रेजेंट होती हैं। लगभग इसका हाफ मीन्स 50 लाख
जो प्रजातियां हैं वो कुछ एक देशों तक ही सीमित है, जैसे हमारे भारत में चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, यहाँ पर बहुत अधिक तरह की जीव रूप पाए जाते हैं, बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। मतलब कुछ देश है जहाँ पर भिन्नताएं बहुत अधिक है और कुछ देशों में जीवों की भिन्नताएं बहुत कम होती हैं। तो ये तो था कि किस तरह से जैव अलग अलग विभिन्न तरह की स्पेशलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पर अधिक मात्रा में आपको भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, कहाँ पर कम भिन्नताएं मिलती हैं। लेकिन हमने मेन इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है कि किस तरह से इन विभिन्न रूपों को हम याद करेंगे, और उसके लिए हमने पहली वीडियो में ही डिस्कस किया था हमारे पास मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान टर्म होती है। जब हम इसको साइंस के लेवल के ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है यह बिल्कुल न्यू हमारे पास कंसेप्ट है, परंतु ऐसा नहीं है। लेट आप अपने स्कूल बैग की बात करते हो, तो मैं बात कर रही हूँ स्कूल बैग की। जब हम बैग को ओपन करते हैं तो हमें उसके अंदर क्या नजर आता है? ऑब्वियस है, कुछ किताबें नजर आएंगी, उनकी रूप रेखा रचना आपको पता है थोड़ी सी या बहुत लेवल पर डिफरेंट होगी फ्रॉम द कॉपी। जैसे इसमें ऑलरेडी प्रिंटेड मटेरियल होगा, देखने पर ही हमें पता चल जाएगा, और ये हमारे पास हैंड रिटन होगी या फिर बिल्कुल खाली होगी, है ना। जो किताबें हैं अगर हम उनकी फर्दर वर्गीकरण करेंगे तो हम कहेंगे कि उसमें डिफरेंट टाइप्स बुक्स हैं। लेट उसमें साइंस की बुक है, सामाजिक शिक्षा की बुक है, और हिंदी, इंग्लिश। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे पास कॉपीज में भी वर्गीकरण हो सकता है कि यह हमारी रफ कॉपी है, यह हमारी फेयर कॉपी है। फर्दर फेयर कॉपीज में हमारे पास वर्गीकरण हो जाएगा कि यह एसएस की है, यह साइंस की है, यह हिंदी की है, इंग्लिश की है। तो उनका डिफरेंट लेवल के ऊपर वर्गीकरण हो जाएगा। तो यह तो सिंपल हमारे पास मेथड है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। इसी तरह से जैसे अभी हमने बैग में वर्गीकरण किया है, उसी तरह से किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन सब का वर्गीकरण किया गया बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। तो किस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया उसको अब हम स्टडी करते हैं। वर्गीकरण में सबसे पहले योगदान दिया गया बाय द साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस के द्वारा, जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हमारे पास सभी जीवों को वर्गीकृत किया था सिर्फ दो जगत में, जिसे हम कहते हैं द्विजगतीय प्रणाली, मींस टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने किस तरह से वर्गीकरण किया, जगत प्राणी तथा जगत पादप, सिर्फ ये दो जगत बनाए, और जहां जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीव प्रेजेंट थे उनको इन दो जगत में वर्गीकृत कर दिया। बेसिस क्या लिया, कौन से उन्होंने लक्षण स्टडी किए जिसके द्वारा सिर्फ दो ही जगत बनाए गए? तो उन्होंने हमारे पास सबसे पहले जगत प्राणी में वो सभी जीव लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते थे, जो अपने भोजन का निर्माण अपने आप नहीं कर सकते थे, जिन जीवों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं थी उन सभी को भी जगत प्राणी में रखा गया, जबकि पादप जगत में वो सभी प्राणी प्रेजेंट थे जिनमें कोशिका भित्ति होती है, जिनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट या वर्णक पाया गया जिसके कारण वे अपना भोजन आप बना सकते थे, और वे भी जीव इसी जगत में आते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते थे, मतलब वो अपनी जगह पर स्थिर पाए गए। तो इन लक्षणों के बेसिस के ऊपर कैरोलस लीनियस के द्वारा
द्विजातीय प्रणाली का निर्माण किया गया। लेकिन फर्दर एंड फर्दर आपको पता है जैसे जैसे डिस्कवरीज होती जाती हैं हमारे पास बहुत से नए जीवों की खोज हुई, तो बहुत से ऐसे जीव वहां पर डिस्कवर हुए जिनमें या तो दोनों ही गुण पाए गए, मींस प्राणी जगत तथा पादप जगत दोनों के ही गुण उन जीवों में प्रेजेंट थे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है युगलीना की, युगलीना में ऐसे बहुत से गुण थे जो कि प्राणी जगत तथा पादप जगत दोनों से मैच करते थे। सो हम नहीं समझ पाए कि अब इसको किस ग्रुप में किस जगत में रखना चाहिए। एज वेल एज विषाणु, ये ऐसे जीव थे जिनमें ना तो कोई लक्षण प्राणी जगत का था और ना ही यह दूसरे पादप जगत में आ सकते थे, मींस दोनों के ही गुण इसमें नहीं पाए गए। तो यहाँ पर हमारी मुश्किलें बढ़ गई, हमें जरूरत पड़ी दो जगतीय प्रणाली को आगे बढ़ाने की, जिसमें हमारी हेल्प की अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, और उन्होंने सभी एक कोशिकीय जीवों के लिए एक नई जगत का निर्माण किया, एक नया जगत बनाया जिसका नाम रखा गया प्रोटिस्टा। फर्दर एंड फर्दर फिर डिस्कवरीज हुई, बहुत तरह के नए जीवों के बारे में पता चला, और जिसके कारण बाय द कॉपलैंड साइंटिस्ट के द्वारा एक नए जगत का निर्माण हुआ जिसमें सभी तरह के प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया और उस जगत का नाम था मोनेरा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे फर्दर एंड फर्दर डिस्कवरीज होती गई हमारे पास दो जगत से तीन जगत, चार जगत, इस तरह से वर्गीकरण का लेवल भी बढ़ता गया। एट लास्ट रॉबर्ट वेटेकर के द्वारा सन 1959 में हमारे पास पांच जगत प्रणाली दी गई, मींस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई, जिसमें हमारे पास कौन कौन से किंगडम या जगत प्रेजेंट थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमिलिया। पांच जगत वर्गीकरण में मूलभूत लक्षण कौन कौन से लिए गए, फर्स्ट वन कोशिकीय संरचना, जीव जो पाए जा रहे हैं उनमें एक कोशिका पाई जाती है या फिर वह बहुकोशिकीय है, इस बेसिस के ऊपर वह यहाँ पर अलग अलग तरह के जगत का निर्माण हुआ। सेकेंड वन होता है पोषण का स्रोत तथा तरीके, मीन्स ये जीव स्वपोषी है, अपना भोजन अपने आप बना रहे हैं, या विषम पोषी है, मीन्स अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इसके आधार के ऊपर यहाँ पांच जगत में भविष्य प्राणियों को रखा गया। और लास्ट था शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन में हमारे पास किसी एक कार्य को करने के लिए एक ही प्रकार के अंग का उपयोग होता है या फिर अलग अलग प्रकार के अंगों का उपयोग होता है, उनका संगठन सरल प्रकार का है या फिर जटिल प्रकार का है, इसके आधार के ऊपर जीवों को इन पांच जगत में क्लासिफाई किया गया। इसके बाद सन 1977 में कार्ल बोस के द्वारा लिटिल चेंजेस की गई, वो चेंजेस क्या थी, जो हमारे पास मोनेरा जगत था उसको फर्दर वर्गीकृत किया गया, उसे आर्के बैक्टीरिया तथा यूवे क्रिटेरिया में बांट दिया गया जो कि आज भी उपयोग में लाया जाता है। तो धीरे धीरे वर्गीकरण का लेवल जो है वो अधिक होता गया, उसको इंक्रीज किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जिन जीवों की हम खोज कर चुके हैं उनको उनकी प्रॉपर जगह के ऊपर रखा जा सके। इस स्तर के ऊपर जीवों को उनके उपसमूह में भी बांटा गया जिसके लिए हमारे पास इस तरह की क्लासिफिकेशन को यूज किया गया, इस तरह के वर्गीकरण के तरीके को उपयोग में लाया गया। तो यह तरीका क्या है, पहले हम उसको स्टडी करते हैं। यदि हम जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास वर्गीकरण में सबसे अबव प्लेस किसका होगा, जगत का। जगत जो होता है वह डिफरेंट फाइलम से मिलकर बनता है, तो दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, फाइलम। फाइलम फर्दर वर्ग से मिलकर बनता है, और जो वर्ग होते हैं वे डिफरेंट टाइप के घन से मिलकर बनते हैं।
घन जो होता है वह इंटर्न कुल से मिलकर बनता है और कुल में डिफरेंट टाइप के वंश इंक्लूड होते हैं और वंश फर्दर किससे मिलकर बनते हैं, जाति से। मींस सबसे बड़ी इकाई हमारे पास क्या है, जगत, और सबसे निम्न इकाई हमारे पास क्या आती है, जाति। यह मूलभूत इकाई है। इसको इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। यदि हमारे पास पादप की बात की जाती है, पेड़ पौधों के बारे में बात की जाती है, तो लिटिल चेंज है, जैसा कि आप देख ही रहे हो दोनों को। जगत, जगत जो होता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन से मिलकर बनता है। यहाँ पर दूसरी इकाई को हमने नाम क्या दिया, फाइलम का, और पादपों में हम नाम क्या देते हैं, डिवीजन का। अदरवाइज जंतु और पादप में जो हमारे पास वर्गीकरण किया गया है वह दोनों में एक जैसा ही पाया जाता है। यह आपके पास इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, आपके पास किसी भी तरीके से वैध जंतुओं में या पेड़ पौधों में किस तरह से उपसमूह बने हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। आपके पास यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण में सबसे सर्वोच्च श्रेणी किसकी है, तो वह हमारे पास क्या है, जगत, और सबसे निम्न श्रेणी या फिर आधारभूत श्रेणी किसे लिया गया है, तो वह हमारे पास क्या होता है, जाति। तो कहने का भाव क्या है कि जो जाति होती है उसमें सभी जीव बाहरी रूप से अप्रोक्सीमेट एक जैसे होते हैं, उनमें काफी समानता होती है, वे जनन भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जाति मिलकर वंश बनाएंगी, वंश कुल का निर्माण करेंगे, कुल फर्दर घन, घन मिलकर वर्ग, वर्ग से फाइलम या फिर डिवीजन का निर्माण होगा, और फाइलम से मिलकर या फिर डिवीजन से मिलकर हमारे पास निर्माण किसका होता है, जगत का। तो वर्गीकरण की इन विभिन्न श्रेणियों को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। तो रॉबर्ट बी टेकर के द्वारा दिए गए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं पांच जगत वर्गीकरण को हम इजीली इस फ्लो चार्ट के द्वारा याद रख सकते हैं। इसे याद रखने के लिए हमने पहले माइंड में रखने हैं वही मेन तीन पॉइंट जिसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया। पहला है हमारे पास कोशिकीय संरचना, दूसरा पोषण के स्रोत तथा तरीके, और थर्ड वन शारीरिक संगठन। इन तीनों के बेसिस के ऊपर हमारे पास जीवों को इस तरह से वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जीवधारियों को प्रोक्रियोटी तथा यूक्रियोटी में बांटा गया। किस लिए, क्योंकि इनमें क्या मेजर डिफरेंस था केंद्रक का। इनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया गया और इनमें बाद में जो केंद्रक आए हैं, डिवेलप हुई हैं, वह पाया गया। कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसके अराउंड झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती, बहुत से कोशिकांग भी झिल्ली के बिना ही होते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक एज वेल एज कोशिकांग उनके अराउंड झिल्ली नहीं होगी, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक तथा कोशिकांग झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। तो जहाँ पर प्रोक्रियोटी होते हैं, मीन्स जहाँ पर झिल्ली रहित केंद्रक या कोशिकांग होता है, उसमें हमारे पास कौन सा जगत आ जाता है, मोनेरा, फर्स्ट जगत जो हमारे पास रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। यूकैरियोटिक, अब यहाँ पर केंद्रक तो है ना, अब उसको फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, किस बेसिस के ऊपर कि उसमें एक कोशिका है या एक से अधिक है। यदि उनमें एक कोशिका पाई गई तो उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, एक कोशिकीय जीव, और यदि उनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है जहां पर हरेक कोशिका का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, वहां पर श्रम विभाजन होता है, तो वहां नाम क्या जाता है हमारे पास, बहु कोशिक जीव। यदि वो यूकैरियोटिक है एज वेल एज एक कोशिक है तो उसे हम नाम क्या देते हैं, प्रोटिस्टा, यह हमारा दूसरा जगत बन जाता है।
यदि वह बहुकोशिक है तो फर्दर हम चेक क्या करते हैं उसमें कि उसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है या फिर कोशिका भित्ति एब्सेंट है। यदि कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है तो उसके बाद भी, अभी हमने यहाँ पर जगत का निर्माण नहीं करना, उसके बाद हम एक और फीचर देखेंगे कि वह स्वयंपोषी है या फिर विषमपोषी, मींस वह अपना भोजन अपने आप बना सकता है या फिर भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। यदि उनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है तथा वह अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते, मतलब प्रकाश संश्लेषण वहां पर नहीं पाया जाता, तो उसे नाम देते हैं फंजाई का। ये मृत जीव होते हैं जो गले सड़े पौधों के ऊपर या जीव जंतुओं के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, और यहाँ पर हमारा थर्ड जगत बन जाएगा जिसे नाम क्या दिया गया है, फंजाई का। मीन्स यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होगी, यह बहुकोशिक होंगे और यूकेरियोटिक के टाइप में काउंट होंगे। यदि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रेजेंट हुई, कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट हुई, तो हम इसे नाम क्या देते हैं, प्लांट, जो हमारा फोर्थ जगत है और जिसके बारे में आप वेल नोन हो, है ना। नेक्स्ट है, यदि हम बहुकोशिक के ही फर्दर दो भाग किए थे, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है या फिर कोशिका भित्ति एब्सेंट है। यदि प्रेजेंट होती है तो हमने उसके फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यदि कोशिका भित्ति उसमें एब्सेंट होती है तो उसमें हमारे पास कौन से जगत का निर्माण होता है, एनीमिया। तो यह बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे पास पांच जगत में रूप रचना तैयार की गई बाय द रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा। आज के इस लेक्चर में हम मेन डिस्कस कर रहे हैं तीन जगत के बारे में, वो कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा फंजाई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें किस तरह के जीव पाए जाते हैं, क्या उनमें स्पेशल फीचर्स हैं, कौन सी इन जगत की उदाहरणें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विद द मोनेरा। मोनेरा में हमारे पास जो जीव प्रेजेंट है वह सबसे प्राचीन जीव है। यह माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपर पहले रहने वाले जीव जो हैं वो कौन से हैं, मोनेरा के। ये बहुत ही समान, बहुत ही सिंपल टाइप के प्रोकैरियोट्स से मिलकर बनते हैं। इनमें एक कोशिकीय जीव प्रेजेंट होते हैं। यह प्रोकैरियोटिक होती है, मींस इसमें जो केंद्रक है वो प्रारंभिक रूप का होता है, उसके अराउंड झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह से ही जितनी भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड, गोल्जिकाएं, वो इनमें एब्सेंट होती हैं, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। कुछ मोनेरा के जीव ऐसे हैं जहां पर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, परंतु कुछ में कोशिका भित्ति एब्सेंट भी होती है। ये स्वयंपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। मीन्स कुछ जीव आपको ऐसे मिलेंगे जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, परंतु बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसकी मेन उदाहरणें हमारे पास हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एज वेल एज जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। आपको पहले भी मैंने बताया कि कार्ल बोस के द्वारा इस मोनेरा जगत को फर्दर दो सब डिवीजन में बांटा गया था, वो कौन कौन सी थी, दैट इज आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया। मोनेरा के बहुत से जीवों में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, सिंगल स्ट्रैंड फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे गुण मोनेरा के। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो जीव प्रेजेंट होते हैं वो भी एक कोशिक होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि हमने पहले जो फ्लो चार्ट किया था वहां पर देखा भी था कि यहाँ पर जो जीव होते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं, मींस इनका केंद्रक झिल्ली युक्त होगा, कोशिकांग झिल्ली युक्त होंगे। इनमें भी बहुत से जीव ऐसे हैं जहां पर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होगी और बहुत से ऐसे जीव मिलेंगे जहां पर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ये भी स्वयंपोषी भी होते हैं तथा विषमपोषी दोनों ही तरह के पाए जाते हैं।
इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन करने के लिए मींस इधर उधर मूव करने के लिए सीलिया या फ्लैजेला लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसा कि आपको पैरामीशियम में दिखाया गया है। इसकी महत्वपूर्ण जो एग्जांपल्स है वो है प्रोटोजोर, जो कि नॉर्मली इक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब जल में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो ये मोस्टली इसी कैटेगरी में, इसी जगत में हम स्टडी करते हैं। इसके अतिरिक्त शैवाल, डायटम्स, यह जीव भी हम प्रोटिस्टा कैटेगरी में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंजल। फंजाई में बहुकोशिकी जीव प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर श्रम विभाजन आपको मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मींस इसमें केंद्रक कोशिकाओं जो होते हैं वो डिवेलप लेवल के आपको मिलेंगे। इनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वह पौधों की तरह सेलुलोज से नहीं बनी होती, वो किससे बनी होती है, एक जटिल शर्करा से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम क्या है, काइटिन। तो इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी में फर्दर हमारे पास दो तरह के जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं मृत जीवी, इन्हें मृत जीवी मोस्टली कहा जाता है, क्योंकि यह अपना भोजन गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। इन्हें परजीवी भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे जीव भी प्रेजेंट हैं जो अपना भोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, मतलब जीवित जीव द्रव्य से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हमारे पास जीस्ट, मोल्ड, मशरूम एक्सेट्रा। इनमें एक और विशेष गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं सहजीविता। सहजीविता में क्या होता है, फंजाई या फिर कवक, नीरहरित शैवाल जो मोनेरा में हमने डिस्कस किया था, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसके साथ अंतर संबंध स्थापित करती है। मीनिंग क्या है कि ये दोनों जीव अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि नीलहरित शैवाल अपना भोजन आप बनाते हैं, तो वे फंजाई को भोजन प्रोवाइड करते हैं, और जो फंजाई या कवक होते हैं वह नीलहरित शैवाल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सहजीविता। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होती है लाइकेंस। लाइकन्स जो होते हैं वह रंगीन धब्बों के रूप में होते हैं, जो कि नॉर्मली पेड़ों की छालों के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। तो ये था हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा फंजाई में पाए जाने वाले जीवों में क्या क्या विशेष गुण होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वन, जिसमें हमने क्या क्या सीखा है, वर्गीकरण किस तरह से करना है, कितने हमारे पास जगत प्रेजेंट है, उनमें उपसमूह किस तरह से हमने बनाए हुए हैं, और इन तीनों जगत के बारे में आपने डिटेल में स्टडी की, और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसी तरह से हम फर्दर एंड फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।